यूनिवर्सिटी व कॉलेज के बीए बीएससी बीकॉम के जो भी स्टूडेंट 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तीन बड़ी अपडेट है, तो ध्यान से आपको जरूर सुनना चाहिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और कौन कौन सी अपडेट हम आपको एक एक करके बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू यू जो कि लगातार आप सभी को सारी अपडेट समय रहते देता है और प्लस आपकी एग्जाम की तैयारी समय रहते कराता रहता है। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, सबसे पहली बड़ी अपडेट की बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ये आ रही है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की ओर से, जिसको वाराणसी यूनिवर्सिटी के नाम पे जाना जाता है। इसमें जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं, ठीक है, या फिर वो किसी वजह पे अंक सुधार यानी कि कम नंबर पाए हैं, उसके लिए अगर उनको फॉर्म फिल करना है तो उसकी डेट आ चुकी है। देखिए अभी इस समय जो परीक्षाएं होंगी वो होंगी आने वाले दिनों में सेकेंड फोर्थ व सिक्स सेमेस्टर की, लेकिन इससे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दी होगी, या तो आपने थर्ड की दी होगी या फिफ्थ की दी होगी। अगर इसमें आप फेल हो गए हैं या फिर आपको अंक सुधार करना है, ठीक है, तो आप अपना एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 25 अप्रैल 2024 से लेकर 10 मई 2024 तक की प्रोसेस चलेगा। इसी के बीच अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की, और जो भी हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो इंतजार कर रहे थे कि भैया हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट था वो करीब करीब एक हफ्ते हो चुके हैं आ चुका है। लेकिन जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे बीए बीएससी को चाहे बीकॉम को, उनका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन वो फाइनली अब रिजल्ट आ चुका है। आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर दिखा रहा कि रिजल्ट नॉट फाउंड। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको जस्ट थोड़ी देर वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके कॉलेज का रिजल्ट अभी ना जारी किया गया हो, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों का रिजल्ट जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। हो सकता है एक आध दो का ना जारी किया हो, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई भी समस्या है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं सर्वर का इशू है, जैसे भी सॉल्व होगा आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है, या फिर कॉलेज ने आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी को सौंपा नहीं इसलिए उन्होंने जारी नहीं किया, ठीक है। और अगली जो सबसे बड़ी अपडेट आपको ज़रूर जानना चाहिए वो ये अपडेट है आप सभी के लिए कि जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएँ चालू हैं उसमें अगर आप परीक्षा मतलब कि आप परीक्षा दे रहे हैं इस समय, तो आपके लिए ये बड़ी अपडेट ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम है बेशक उसका उत्तर तो आप देंगे ही देंगे, जिस भी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, ठीक है, या फिर आपको समस्या लग रही हो कि भैया इसका उत्तर कैसे लिखें, या फिर आप छोड़ के चले आ रहे हैं, तो ये गलती मत करिए। आपको जो भी जानकारी हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसके बारे में आपको जानकारी है ही नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा भी बना के आप लोग जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा उसको सोचिए थोड़ा बहुत, उसके बाद उसको बना के आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ बना के भी लिखेंगे तो 5 नंबर का आंसर मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो मान लीजिए 1.5 पेज में लिख देंगे तो एग्जामिनर 2 नंबर तो दे ही देगा। नथिंग से बेटर ही समथिंग है, मतलब कि कुछ ना लिखने से बेटर कम से कम कुछ हमने लिख दिया वो बेटर रहता है, ठीक है। इसलिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, कॉपी पूरी भर के आइए, भले ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, मान लीजिए कि थोड़ा बना के आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये अगर सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में फेल नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, वरना तो फेल तो आप लोग अगर गलती करेंगे तो फेल होंगे। और बहुत हमारे सारे जो स्टूडेंट हम पे जो जुड़े हैं जो डेली हमारे क्लासेज ज्वाइन करते तो फेल हो ही नहीं सकते, वो अच्छे नंबर लाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, आप हमारे एग्जाम पे अपने एग्जाम मतलब कि अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। बाकी कोई क्वेश्चन है जरूर पूछें, मिलते हैं और नए वीडियो में। जय हिंद।